हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, मैं हुसैनी सर आपका स्वागत करता हूं मेरी चैनल लर्न ओमेनिया पर। ये पहला पार्ट होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईटीआई बच्चों के लिए जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का कोर्स कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए उनके थियोरी एंड प्रैक्टिकल के लेक्चर्स में स्टार्ट करूँगा। सबसे पहला लेक्चर होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, साइक्रोमेट्री। ये टॉपिक पर मेरा सबसे पहला लेक्चर होगा। साइक्रोमेट्री यानी हम इसमें एयर को स्टडी करेंगे और एयर की अलग अलग प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। जैसे आपको पता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो है, ये पूरा एयर और एयर की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है ये पूरी फील्ड। इसमें हम एयर के पैरामीटर्स को चेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द कन्फाइंड स्पेस। हमें कन्फाइंड स्पेस में एयर किस हालत में चाहिए, किस टेम्परेचर पर चाहिए, एयर की ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, तो ये जो अलग अलग एयर के पैरामीटर्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे ये चैप्टर साइक्रोमेट्री में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी चैनल का नाम लर्नोमेनिया है। मेरी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, दूसरे आईटीआई के बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाइए। सब्सक्रिप्शन में आपको कोई पे नहीं करना होता, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लास्टली डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन आप दबाएंगे तो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कंटिन्यूएशन चेन बनाने के लिए कि आप बेल आइकन दबा दें। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं, चैप्टर ऑफ साइक्रोमेट्री फर्स्ट पार्ट। सो लेट्स गो, आइए स्टार्ट करते हैं साइक्रोमेट्री का फर्स्ट पार्ट, स्टडी ऑफ एयर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सी, हमारी फील्ड एयर कंडीशनिंग की एंड रेफ्रिजरेशन की है और ये फील्ड में हम लोग एयर की प्रॉपर्टीज़, एयर की पैरामीटर्स चेंज करते हैं, जैसे टेम्परेचर, एयर में मौजूद नमी, ये सब चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए एयर को और एयर की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना ज़रूरी है। इसीलिए सेकेंड ईयर के बच्चों को ये एयर कंडीशनिंग का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है साइक्रोमेट्री। अब ये स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमें एशरे ने एयर कंडीशनिंग को डिफाइन कैसे किया है ये समझना होगा। एशरे देखो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और सारे के सारे रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के पैरामीटर्स जो है जो वर्ल्ड थ्रू आउट में एक्सेप्टेड किए जाते हैं, ठीक है, ये रूल्स रेगुलेशंस पैरामीटर्स एशरे सजेस्ट करता है। एशरे का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। एशरे का जो इंडियन वर्जन है वो है ईशरे। ये एक ही जगह आप आई लगा दे, ईशरे हो जाएगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, ये है ईशरे का फुल फॉर्म। सो ईशरे जो है वो इंडिया में एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन पैरामीटर्स को सजेस्ट करता है। चलिए आइए एशरे के हिसाब से रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, खास करके एयर कंडीशनिंग समझते हैं। एशरे एयर कंडीशनिंग को कैसे डिफाइन करता है? एशरे कहता है एयर कंडीशनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम हवा को ट्रीट करते हैं, हवा को ट्रीट करते हैं। अब ट्रीट करना यानि हवा के टेम्परेचर को बदलना, हवा के अंदर मौजूद ह्यूमिडिटी को बदलना, हवा को साफ करना, हवा को सारी कन्फाइंड स्पेस में बराबर से फ्लो करके डिस्ट्रीब्यूट करना, ये होता है एयर कंडीशनिंग। एशरे के हिसाब से एशरे ने डिफाइन किया है एयर कंडीशनिंग को द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एयर सो एज टू कंट्रोल साइमल्टेनियसली इट्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लीनलीनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
to meet the requirements of the confined space, of the conditioned space. ये है ऐश्वर्य का डेफिनेशन एयर कंडीशनिंग के लिए. अगेन मैं रिपीट करूं हिंदी में, ऐश्वर्य के हिसाब से एयर कंडीशनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हवा के तापमान को, हवा में मौजूद ह्यूमिडिटी मतलब नमी को हम कंट्रोल करेंगे. इसके अलावा हवा को क्लीन करेंगे और हवा को कंडीशनड जगह में चारों तरफ बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. किस हिसाब से चाहिए कन्फाइंड स्पेस के अंदर, उस हिसाब से. ये है एयर कंडीशनिंग का डेफिनेशन. अब एयर कंडीशनिंग में बेसिक ये चार पांच फंक्शंस हैं. सबसे पहला एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है उसका सबसे पहला फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, तापमान को कंट्रोल करना. एयर कंडीशनिंग का दूसरा प्रोसेस, एयर कंडीशनिंग का दूसरा फंक्शन है ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना यानी नमी को कंट्रोल करना. एयर कंडीशनिंग का तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है एयर को फिल्टर करना, एयर को क्लीन करना और एयर को प्यूरिफाई करना. एयर को फिल्टर करना, क्लीन करना और प्यूरिफाई करना. और लास्ट एयर कंडीशनिंग प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एयर को सर्कुलेट करना, एयर सर्कुलेशन. सो बेसिकली ये है एयर कंडीशनिंग के चार इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. अगेन सबसे पहला वाला टू कंट्रोल टेम्परेचर, द सेकेंड वन इज कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, द थर्ड वन इज एयर फिल्टरिंग, एयर क्लीनिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर. And the fourth function is air circulation, circulation of air within the confined space properly so that cool air, so that conditioned air reaches each and every corner of the confined space. ये है air conditioning के चार basic functions. चलिए आइए और देखते हैं आगे. अब वो चार process complete करने के लिए, वो चार प्रोसेस अचीव करने के लिए हमें जो नेचुरल हवा होती है उसके पैरामीटर्स, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ेगी. और यही है एयर कंडीशनिंग का मतलब. एयर कंडीशनिंग यानी हम हवा की प्रॉपर्टीज, हम हवा के पैरामीटर्स चेंज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन के हमें क्या चाहिए कन्फाइंड स्पेस में. उसके हिसाब से बाहरी हवा की प्रॉपर्टीज, बाहरी हवा की पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर हुआ, जैसे नमी हुई, ये सब चेंज करना पड़ता है. और ये चेंज करना ही एयर कंडीशनिंग सिस्टम का काम है. अच्छा, एयर कंडीशनिंग सिस्टम एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लें. सबसे पहला लिखा हुआ यहाँ पे एयर. अब एयर मतलब क्या? एयर जो है वो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है. ये जो हमारे एतराफ में जो हवा है, हमारे आजू बाजू में, हमारे सराउंडिंग में जो एयर है, हवा है, वो हवा क्या है? अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है. और गैसेस के अलावा उसमें वाटर वेपर होता है, ठीक है, उसमें वाटर वेपर होगा. और दूसरी चीज, उसमें डस्ट पार्टिकल्स, कचरा वगैरह होगा. सो ये इन चीजों का मिश्रण जो होता है उसको एयर कहते हैं. अब एयर में जो है, जो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर मैंने बताया, उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है एयर में. नाइट्रोजन का परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो एयर में 78% नाइट्रोजन है. इसके अलावा 21% ऑक्सीजन है और एयर में 1% दूसरी गैसेस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, ऐसी गैसेस, बाकी 1%. और इनके अलावा जो एयर में दो चीजें और होती है जो चेंज होते रहती है, अलग अलग जगह अलग अलग होती है, वो है वाटर वेपर और दूसरा है डस्ट पार्टिकल. वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल एयर में ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग जगह चेंज होते रहती है हाइट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, ठीक है. और ये जो गैसेस है इसका प्रपोर्शन हवा में फिक्स होता है.
चलिए आइए दूसरी चीज देखते हैं एयर के बाद, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को अगर मैं सादी भाषा में कहूं तो इसको हम नमी कहते हैं। लेट्स सी ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी एक टर्म है जो हवा में मॉइस्चर, मौजूद मॉइस्चर को बताता है। ह्यूमिडिटी यानी हवा में मौजूद मॉइस्चर, हवा में मौजूद जो नमी है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ह्यूमिडिटी मीन्स नथिंग, इट इज द ओनली प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। अच्छा, ये ह्यूमिडिटी जगह के हिसाब से, तापमान के हिसाब से हर जगह अलग अलग चेंज होते रहती है। सीजन के हिसाब से ह्यूमिडिटी एक ही जगह की चेंज होते रहती है। ह्यूमिडिटी के बाद और आइए समझते हैं एयर। ठीक है, व्हाट इज एयर। एयर जो है वो हम लोग ने यहां देखा, आगे एयर क्या है आइए इसके बारे में ज्यादा स्टडी करें। एयर के बारे में, एयर दो तरह की होती है, सैचुरेटेड एयर एंड अनसैचुरेटेड एयर। अब सैचुरेटेड एयर का मतलब क्या है, किसी खास तापमान पर, किसी पर्टिकुलर तापमान पर हवा अपने अंदर कुछ प्रपोर्शन में ह्यूमिडिटी रख सकती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर तापमान पर हवा अपने अंदर कुछ मात्रा में ह्यूमिडिटी रख सकती है। अगर हवा के अंदर वो जितनी ह्यूमिडिटी रख सकती है, अगर हवा के अंदर उतनी ह्यूमिडिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, वो अब उसके ज्यादा ह्यूमिडिटी अपने अंदर रख नहीं सकेगी। अगर ज्यादा हम ह्यूमिडिटी ऐड करेंगे हवा में तो वो पानी के कतरे बनकर हवा से ह्यूमिडिटी अलग हो जाएगी, हवा अपने अंदर ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं रखेगी। तो अगर किसी तापमान पर हवा के अंदर उतनी ह्यूमिडिटी मौजूद है, उतने वाटर वेपर, उतना मॉइस्चर मौजूद है जो हवा अपने अंदर रख सके, तो उस हवा को कहते हैं सैचुरेटेड एयर। सैचुरेशन के बाद हवा अपने अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं रखेगी। ठीक है, ये होती है सैचुरेटेड एयर। और सैचुरेटेड एयर पूरी 100% ह्यूमिडिटी से भरी रहती है। अच्छा, इसका बिल्कुल उल्टा अनसैचुरेटेड एयर। अगर हवा में मौजूद नमी कम है, ठीक है, किसी खास तापमान पर अगर हवा में उतनी नमी मौजूद नहीं है जितनी हवा अपने अंदर रख सके, उस हवा को अनसैचुरेटेड एयर कहते हैं। मतलब अनसैचुरेटेड एयर अगर होगी तो यहां पर चांसेस है कि ये हवा, अनसैचुरेटेड हवा अपने अंदर ह्यूमिडिटी और भी रखे, और भी रख सकती है ये हवा अपने अंदर ह्यूमिडिटी को। तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड एयर में ह्यूमिडिटी लेस देन 100% होगी। सो ये है सैचुरेटेड एयर और अनसैचुरेटेड एयर। अगर अब इसके बाद अगर मैं बोलूं सैचुरेट एयर या सैचुरेटेड एयर, तो आप समझ जाइएगा कि ये अपने अंदर अब और ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं रख पाएगी। अनसैचुरेटेड एयर बोलूं मैं तो ये अनसैचुरेटेड एयर अपने अंदर ह्यूमिडिटी अभी भी रख पाएगी। अच्छा, ये हवा का जो सैचुरेशन पॉइंट होता है, ठीक है, सैचुरेशन लेवल होता है, वो तापमान के हिसाब से चेंज होते रहता है। अगर अचानक तापमान बढ़ जाएगा तो हवा का सैचुरेशन लेवल भी ऊपर चला जाएगा। अगर तापमान अचानक कम हो जाता है तो हवा का सैचुरेशन लेवल भी कम हो जाएगा। जैसे कि ठंडी की सीजन में रात में होता है, हवा तापमान कम होता है तो हवा का सैचुरेशन लेवल भी कम हो जाएगा, वो अपने अंदर अब ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं रख पाएगी, ह्यूमिडिटी हवा में से अलग होने लगती है, जो हमें यहाँ वहाँ फिर शबनम के शक्ल में, ठीक है, ड्यू की शक्ल में यहाँ वहाँ वो ह्यूमिडिटी दिखाई देती है ठंडी जगहों पर पानी की शक्ल में। ठीक है, तो ये होता है तापमान का असर हवा पर। तापमान बढ़ने से सैचुरेशन लेवल भी बढ़ जाएगा, हवा अंदर अपने अंदर ह्यूमिडिटी और ज्यादा रख पाएगी। तापमान कम होने से हवा का सैचुरेशन लेवल भी कम होगा, हवा अपने अंदर ह्यूमिडिटी अब नहीं रख पाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एक चीज, नेक्स्ट चीज की और, साइक्रोमेटरी। साइक्रोमेटरी क्या है। साइक्रोमेटरी एक तरह का साइंस है
जिसमें हम हवा की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। हवा की प्रॉपर्टीज यानी हवा का तापमान, हवा में मौजूद ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें स्टडी की जाती है साइक्रोमेट्री में। अब अपनी फील्ड एयर कंडीशनिंग फील्ड हवा से ही रिलेटेड है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि हम साइक्रोमेट्री को समझें। ठीक है, तो साइक्रोमेट्री एक तरह का साइंस है जिसमें स्पेशली हवा की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट चीज साइक्रोमेट्री के बाद है साइक्रोमेट्री चार्ट। साइक्रोमेट्रिक चार्ट एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ऐसा ग्राफ है, मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, एक ऐसा ग्राफ है जिसके जरिए हम हवा की फिजिकल प्रॉपर्टी, हम हवा की थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये सारी चीजें स्टडी की जा सकती है साइक्रोमेट्रिक चार्ट यूज करके। एक ऐसा चार्ट है, ये ऐसा एक ग्राफ है जिसमें पूरी हवा की प्रॉपर्टीज बताई होती है। ये चार्ट यूज करके हम HVAC के टेक्नीशियन काफी हद तक हमारा कैलकुलेशन वर्क कम हो जाता है। सो हमारे लिए बहुत जरूरी है ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट को समझना, इसको इस्तेमाल करने आना चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एयर कंडीशन जगह में हवा को हम कुछ इस तरीके से ट्रीट करते हैं, हम कुछ हवा की प्रॉपर्टीज को इस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, हम हवा के पूरे पैरामीटर्स को, बाहरी हवा के पूरे पैरामीटर्स को इस तरह चेंज करेंगे ताकि हवा कन्फाइंड स्पेस के अंदर एक कंफर्ट जोन पैदा करे। ये होता है एयर कंडीशनिंग में। ठीक है, अब बाहर की हवा जो है हमने चेंज तो कर दिया। ठीक है, हमने उसका तापमान चेंज किया, हमने उसकी ह्यूमिडिटी चेंज की, लेकिन बराबर से चेंज हुआ भी है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई हो रहा है सब कुछ बराबर, हवा के पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, जो हमें चाहिए वैसे हो रहे हैं, मालूम कैसे पड़ेगा? उसके लिए हमें ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट यूज करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा दिखता है साइक्रोमेट्रिक चार्ट, एक जूते की शक्ल में, एक जूते के शेप में, और इसमें बहुत सारी लाइंस बनी हुई है। अगर आप चार्ट को ऐसे देखेंगे तो बहुत सारी लाइंस बनी हुई है, आपको लगेगा चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये लाइंस का मतलब एक बार समझ लेंगे, लाइंस को रीड कैसे करना एक बार आप समझ लेंगे, तो एज एन HVAC टेक्नीशियन हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट को यूज करके। सो यही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर बनी हुई लाइंस, कौन सी लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है, ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। साइक्रोमेट्रिक चार्ट की स्टडी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए तो बस इतना ही। हमने आज कुछ टर्म्स और खास करके रेफ्रिजरेशन का मतलब ये समझा है। रेफ्रिजरेशन करता क्या है, रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है, ये जानने की आज कोशिश की है। सो मिलता हूं मैं आपसे जल्द ही सेकेंड पार्ट में, जहां पर ये हम लोग साइक्रोमेट्रिक चार्ट को स्टडी करेंगे। आज का पार्ट खत्म करने से पहले मैं हुसैनी सर आपसे जल्दी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबा दे, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो देख पाए। मेरी कोशिश होगी कि मैं छोटे छोटे पार्ट्स करके आपका रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के स्टूडेंट का, ITI के जो स्टूडेंट है उनका सिलेबस पूरा कवर करने की कोशिश करूं। और दूसरी चीज ये होगी कि मैं ऐसी लैंग्वेज में और इतनी चीजें बताऊंगा जो एज अ स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं चाहूंगा, जितनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज अ टेक्नीशियन आप जानना चाहिए उतनी ही चीजें मैं बताऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा, और लास्ट में हर चैप्टर के एंड में हम लोग वो चैप्टर के MCQ डिस्कस करेंगे।
सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।